वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो हियर। और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिस गुड लुकिंग जावास्क्रिप्ट वॉच। ठीक है, क्लॉक हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, डिजिटल क्लॉक हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। नाउ द ग्रेट थिंग अबाउट दिस क्लॉक इज ये बहुत ईजी है, और आपको ऐसा लगेगा कि जावास्क्रिप्ट डिफिकल्ट और सारी चीज़ें, बट ऑनेस्टली बहुत आसान है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे आपको बनाना है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं जाऊँगा और मेरा index.html है, यहाँ पे सबसे पहले मैं चीज़ें लिखना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं मेरी बॉयलर प्लेट को लेके आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं मेरा जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को मैं एक सेकंड पहले टाइटल लिख देता हूँ, डिजिटल क्लॉक यूजिंग JS। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया डिजिटल क्लॉक यूजिंग JS, और यहाँ पे मुझे देने होंगे, यहाँ पे मुझे फॉन्ट लिंक करना है, तो मैं फॉन्ट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उस फॉन्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिंपली मुझे CSS लिंक करनी है, तो यहाँ लिंक कर देता हूँ CSS style.css। ठीक है, तो इतना ही काम मुझे करना है। अब मैं नीचे आऊँगा और सबसे पहले लूँगा कंटेनर, ओहो नो, डॉट कंटेनर करके डिव ले लूँगा। इस कंटेनर डिव के अंदर एक और मैं डिव लूँगा जिसका नाम होगा क्लॉक, और इसके अंदर होगा स्पैन। ठीक है, स्पैन होगा, और स्पैन के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे 12, और आईडी हो जाएगी, इसकी आईडी हमें देना पड़ेगी। ठीक है, आर्स, और उसके बाद यहाँ पे एक स्पैन ले लूँ, स्पैन ले लूँगा मैं, इसमें डबल कॉलन हम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे आऊँगा और यहाँ पे एक और स्पैन देंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम ऐसा ही होगा, कुछ ही चेंजेस यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आर्स के लिए देंगे, ये जो है ये मिनट्स के लिए देंगे हम मिनट्स। ठीक है, और स्पैन को ले लेंगे हम यहाँ पे, और ये होगा हमारा सेकंड्स, सॉरी यहाँ सेकंड्स नहीं लिखूंगा मैं, 60 लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड्स। ठीक है, और नीचे AM या PM क्या है वो लिख दूंगा मैं। ठीक है, स्पैन, और यहाँ पे आईडी दे दूंगा मैं AM और PM। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि यार सुबह की बज रही है या शाम की हो रही है, तो गाइस ये जितनी भी वैल्यूज़ है इसके अंदर 12, 60, 60, इनसे हमें सिर्फ मतलब है, बाकी तो सब ये HTML है, तो इनके साथ इनको हम जावास्क्रिप्ट से चेंज करेंगे और इनके साथ हम प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा HTML हो गया है। अब मैं जाऊँगा style.css पे, और अभी मैं इसको पहले लाइव को लाइव कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल है यार, कुछ भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एकदम ये सिंपल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसको साइड में स्टैक कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब style.css में जाता हूँ मैं, और style.css में जाके बॉडी को सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा। ठीक है, बॉडी के अंदर मार्जिन में लूँगा 0, उसके बाद पैडिंग में लूँगा 0, उसके बाद फॉन्ट फैमिली विल बी और बी ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये होगा सेंस सेरिफ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, आप देखोगे फॉन्ट हमारे चेंज हो गए, डिफरेंट दिखने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे कंटेनर हम ले लेंगे, कंटेनर के अंदर विड्थ हम दे देंगे 100%। ठीक है, हाइट हम दे देंगे 100 VH, और इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पे सेट कर देंगे #0F3854। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया इसका, और एक काम करते हैं हम इसका बैकग्राउंड सेट कर देते हैं रेडियल ग्रेडियंट हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट हम यहाँ पे दे देंगे, रेडियल ग्रेडियंट जो है
वो मैंने मेरे पास ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। आप इसको देख के पॉज करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। अब ये रेडियल ग्रेडियंट जो है ये इसके ऊपर आ गया आई थिंक, और हमारा टेक्स्ट गायब हो गया। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम बाद में उसको बेटर बना लेंगे हम। कलर जो है, कलर विल बी हैश FFF, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, विल बी सेंटर। इसको किया सेव कंटेनर, ओके ठीक है, सेंटर। और क्या करेंगे हम, ठीक है चलो। तो ये सारी सेट जो भी चीज़ें हमने की है, इससे हमारा कंटेनर सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो गई है। और इसके बाद हम जाएंगे नीचे डॉट कंटेनर में H2, H2 को हम टारगेट करेंगे, और H2 में फॉन्ट वेट जो है वो हम कर देंगे 300, ठीक है। फॉन्ट साइज हम कर देंगे 30 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग टॉप कर देंगे हम यहाँ पे 50 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन कर देंगे हम यहाँ पे 0, ओके। तो ये हमारा कंटेनर H2 हो जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर क्या होगा यार, फॉन्ट के अंदर हम यहाँ पे सिंपली फॉन्ट साइज जो है वो सेट करेंगे। तो अभी तो मैंने इसको जूम कर दिया, बाकी ये एक्चुअल में इतना छोटा दिखाई दे रहा है। तो फॉन्ट साइज़ बेसिकली हम यहाँ पे कर देंगे इसकी 50 पिक्सल, ठीक है। कुछ फ़र्क पड़ा फॉन्ट साइज़ में? फॉन्ट साइज़ हमने कहीं दिया भी है कि नहीं, जस्ट क्विकली चेक। आई डोंट थिंक हमने फॉन्ट साइज़ कहीं भी अप्लाई किया है। एक्चुअली हम है ना, इसको एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, हम यहाँ पे H1 लेंगे जिसका नाम होगा फॉन्ट, फॉन्ट, ठीक है। और इस H1 को मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। इसको किया मैंने सेव, अब ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, उसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे दे दिया है, और ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला है हमारा, ये तो हमारा पुराना वाला है, ठीक है। चलो फॉन्ट दे दिया है, और फॉन्ट के बाद अब हम देंगे H1 को मार्जिन 0, ठीक है। पैडिंग नॉट टॉप, पैडिंग विल बी 0, उसको किया सेव। आप देखोगे कि टॉप से जो दिक्कत हो रही थी वो यहाँ पे फिक्स हो गई। फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट क्लॉक, क्लॉक को टारगेट करेंगे, और क्लॉक को टारगेट करने के बाद यहाँ पे लेंगे हम कलर। कलर हो जाएगा हमारा हैश DAF6FF, ठीक है। तो ये हमारा, इसका कलर दे देंगे हम इसको, या आई थिंक मेरे हिसाब से FFF ही अच्छा लग रहा है, इसको वाइट ही रहने देते हैं ना, यही अच्छा लग रहा है। इसके बाद पैडिंग हम यहाँ पे ले लेंगे 30 पिक्सल और 50 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन हम यहाँ पे ले लेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से एब्सोल्यूट हो जाएगा। टॉप से यहाँ हम लेंगे 50%, 50%, और लेफ्ट से हम यहाँ ले लेंगे 50%, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसको, ट्रांसफॉर्म हम इसको करेंगे, और वो हो जाएगा ट्रांसलेट। ये जो भी हम कर रहे हैं सब इसको सेंटर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैक्स से भी हम इसको कर सकते थे, बट इससे भी हम कर सकते हैं -50%। तो इससे हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर लैंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनली मैं टेक्स्ट शेडो ऐड करूँगा, तो टेक्स्ट शेडो को मैं कॉपी कर लूँगा और एल पेस्टेड हियर, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट शेडो मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप इसे ऐसा कैसा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये टेक्स्ट का जो शेडो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और हमारा कंटेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा HTML और CSS कंप्लीट हो गया है। इससे हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ तक हमने जो भी किया है ये सिर्फ स्टैटिक काम करने के लिए है। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो सारी होगी यूजिंग हमारा जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे आएंगे और जावास्क्रिप्ट में लिखना स्टार्ट करेंगे। गाइस अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन एक लूँगा, ठीक है, और फंक्शन का नाम होगा अपडेट टाइम, अपडेट
टाइम, ठीक है। इस फंक्शन को लूँगा मैं और फंक्शन को स्टार्ट करूँगा, पैरामीटर्स हम यहाँ पे कुछ देंगे नहीं, फिर एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पे जिसका नाम होगा डेट टाइम, ठीक है। और डेट टाइम के अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू करूँगा, न्यू कीवर्ड लगाऊँगा और यहाँ पे डेट करके हमारे पास ऑलरेडी एक प्री बिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें डेट रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये न्यू कीवर्ड क्या है, न्यू कीवर्ड यहाँ पे क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस हमको रिटर्न करता है। अब ये यहाँ पे सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है यार, तो इसके कॉम्प्लेक्सिटी में आप मत जाओ। सिंपली क्या होता है कि अगर मैं न्यू को हटा देता ना तो ये हमें क्या देता है, ये हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग देता, लेकिन हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए एक ऑब्जेक्ट ताकि हम नीचे उसकी आर्स और मिनट्स को जब कॉल करेंगे तो वो हमें मिल जाए। तो इसको ज़्यादा आप फोकस मत करो क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाएगा न्यू कीवर्ड अगर आपको नहीं पता है। तो बेसिकली ये हमारा प्री बिल्ट होता है एक यहाँ पे मेथड होती है जो हमें डेट रिटर्न करती है, और ये तो वेरिएबल आपको पता ही है, ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल होगा यहाँ पे आर्स, ठीक है। और इस आर्स के अंदर मैं ले लूँगा डेट और टाइम। डेट टाइम क्या है, ये डेट टाइम है। डेट टाइम के अंदर क्या है, ये वाला डेट है, ठीक है। तो इसके अंदर ये डेट टाइम डली। अब इस डेट टाइम जब मैं इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट से बोला है कि मुझे डेट टाइम दे दो, तो पूरा जो डेट और टाइम है वो सब उसने यहाँ पे आके सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ आर चाहिए, सिर्फ घंटे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट आर्स कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैं डेट टाइम लिखता हूँ तो पूरा मुझे यहाँ पे मिल जाता, अब यहाँ पे सिर्फ हमें आर्स चाहिए। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए मिनट्स, ठीक है। और डेट टाइम के अंदर मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे आवर्स हो गया, यहाँ पे मिनट्स हो गया। इसी को मैं वापस से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेकंड्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो हमने जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है डेट, इससे हम क्या कर रहे हैं, डेट टाइम निकाल रहे हैं और उसमें से अलग अलग हम आवर्स को अलग कर रहे हैं, मिनट्स को अलग कर रहे हैं और सेकंड्स को अलग कर रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट दिस सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड्स हो जाएगा और इसके बाद फाइनली मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा am_pn, ठीक है। तो एक वेरिएबल ये लूँगा और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, या बेसिकली इस वाले एलिमेंट को मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। तो और आईडी हमारी क्या होगी, आईडी हमारी वो लिखेंगे हम इसके अंदर जो ये है, तो एम और पीएम हमारी आईडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम और पीएम, ठीक है। तो यार ये हमारे इतने वेरिएबल्स हो गए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको ये पता लगाना है कि एम है या पीएम है। तो आपका जो क्लॉक होगा वो आपको 24 आवर्स में, ये जो आपका क्लॉक है ना जावास्क्रिप्ट वाला, जो आपको इससे वैल्यू मिलेगी वो 24 आवर्स में मिलेगी, मतलब 12 के बाद, दोपहर के 12 के बाद एक बजनी चाहिए, लेकिन ये 13 दिखाएगा। आ रही बात समझ में, जो ट्रेन का टाइमिंग होता है वो दिखाएगा, बट हमको वो नहीं करना है, हमको बेसिकली ये दिखाना है एम पी एम से यहाँ पे शो करना है। तो वो एम पी एम वाला हम काम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ के अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा आर्स। देखना बहुत सिंपल है, अगर आर्स 12 से या इसके बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, अगर आर्स 12 से ज़्यादा या बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, am underscore or underscore pm dot inner html, inner html क्या कर दूँगा, pm। देखो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो अगर 12 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, या तो इससे इक्वल हुआ या इससे 12 से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि अगर एक बच जाते हैं,
13, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 13 है, ठीक है, तो 13 12 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है एम जो आपको दिख रहा है, ये वाली वैल्यू, इसको क्या कर देंगे, पीएम कर देंगे। आ रही बात समझ में? मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, इसको हम पीएम कर देंगे, क्योंकि अगर 13 से कम है मतलब 12 है या फिर 11 है, तो मतलब सुबह की होगी, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लेंगे, और एल्स स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, एम अंडर स्कोर पीएम डॉट इनर HTML, और इनर HTML के अंदर मैं ले लूँगा यहाँ पर AM, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा AM, इसको कर दिया मैंने सेव। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर 12 से ज़्यादा बज रही है, मान लो 13 बज रही है, तो हम उसको PM कर देंगे। क्लियर है, इतना फंडा क्लियर हो रहा है? और अगर 13 से कम है तो AM यहाँ पे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने AM PM वाला फंडा क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमें टाइम रिटर्न मिलने वाला है, ये जो टाइम हमें रिटर्न मिलने वाला है, ये टाइम हमें मिलेगा एज ए 24 आवर क्लॉक। तो यहाँ पे भले ही मैंने ये कर दिया है, बट यहाँ पे 12 के बाद ये 13 AM या PM दिखाएगा, 13-14 इस तरीके से। तो इसको हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें 12 आवर क्लॉक में। तो 12 आवर क्लॉक में एक काम करता हूँ मैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये काम चलो बाद में करते हैं, अभी मैं आपको इतना समझ में आया ना, अभी मैं क्या करता हूँ, इतना करने के बाद आपको इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा आर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इनर HTML, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आर्स, ओके, और ठीक है, इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा मैं, और उसको मैं सेम इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आईडी क्या है, ये जो आर्स वाली है ये बेसिकली यहाँ की आईडी है, देखो आर्स है, मिनट्स है, सेकंड्स है, तो ये वाली आईडी है ना, CSS की जो आईडी है हम वो उसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। मिनट्स को टारगेट करूँगा मैं, और इनर HTML में क्या कर दूंगा यहाँ पे मिनट्स कर दूंगा। और ये वाला मिनट्स कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला मिनट्स जो है ये वाला मिनट्स है जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको वापस से कॉपी कर लूँगा, और मिनट्स के बाद यहाँ पे कर दूंगा इसको सेकंड्स, ठीक है, तो इनर HTML में यहाँ पे सेकंड्स मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मुझे रन करना है। आ रही बात समझ में? अभी फंक्शन तो मैंने बना लिया है, लेकिन अभी मैंने इसको रन नहीं किया है, इसको अब मैं रन करूँगा। तो मैं इसको रन कैसे करूँगा, सेट इंटरवल ये हम यहाँ पे लगाएंगे, और सेट इंटरवल में क्या करूँगा, अपडेट टाइम कर दूँगा, ठीक है, और कितने सेकंड में हमें इसको रन करना है, हर एक सेकंड में इसको रन करना है। इसको मैं सेव करूँगा और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इट शुड वर्क, लेट मी क्विकली चेक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट। इसको इट शुड वर्क नाउ परफेक्टली, मैं एक बार इसको क्विकली चेक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, देर आर नो एरर्स, अपडेट टाइम, लेट मी क्विकली चेक कि यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। ओके गाइस, सो मैंने एक सिली मिस्टेक यहाँ पे कर दी, मैं जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐड करना भूल गया, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट को लिंक यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट मैंने कहाँ पे सेव करके, लेट मी क्विकली चेक, यहाँ पे JS के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे script.js, ठीक है। तो उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेव, और यहाँ पे नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से काम करी। ये सेट इंटरवल बेसिकली क्या करता है कि ये इस फंक्शन को एक इंटरवल पे रन करता है, ठीक है। तो ये हर एक सेकंड में इसको यहाँ पे रन करेगा, हर एक इंटरवल पे यहाँ पे रन करेगा। अब गाइस यहाँ पे ये तो ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि 12 के बाद डायरेक्ट 1 बजनी चाहिए दोपहर की, लेकिन अभी मॉर्निंग में तो आपको यहाँ पे ये ठीक दिख रहा है, बट जब ये 1 बजेगी ना तब क्या होगा कि ये डायरेक्टली 1 नहीं दिखाएगा और 13 दिखाने लग जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये 24 आवर क्लॉक है, तो उसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पे करना होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिखा सकता क्योंकि सुबह के 9 बज रही है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई तरीका नहीं उसको दिखाने का, ठीक है। तो उसको हम फिक्स करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे आर्स को सेट करेंगे। अगर आर्स 12 से ज़्यादा है, ठीक है, 12 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आर्स इक्वल टू आर्स माइनस 12। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ये जो नंबर आएगा, मान लो 13 आया, ठीक है, तो 13 क्या है, 12 से ज़्यादा है, 13 क्या है, 12 से ज़्यादा है, तो हम उसको 13 को 12 से माइनस कर देंगे, है ना। तो 13 माइनस 12 कितना हुआ, 1, तो 1 बज रही होगी उस टाइम पे। आर यू गेटिंग दिस? अगर 14 हुआ 12 से माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो हमें उस तरीके से मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं अभी मॉर्निंग में बना रहा हूँ, बाकी लोग जो उसको दोपहर में बना रहे हैं 12 बजे के बाद, तो वो इसको हटा के एक बार टेस्ट करना कि क्या रिजल्ट मिलता है और उसको लगाने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा डिजिटल क्लॉक, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और अगर आपको इस तरीके के जावास्क्रिप्ट के और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मैं आपके जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे बनाऊं ताकि आपकी जावास्क्रिप्ट और बेटर होती जाए, ठीक है। एंड गाइस एट लास्ट, अगर आपने वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आई एम डूइंग अ फ्री वेबिनार जहाँ पे आप ये सीखेंगे कि कैसे आप आपकी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। सो अगर उसके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर इट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।